मंजू खुराना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी फोन लगाया था, पूरी बात नहीं हो पाई थी। जी मेरे को नसों की प्रॉब्लम है, L4, L5, S1, तीन चार नसों में है, जिससे मेरा नीचे का हिस्सा सुन्न है, तो जिससे मेरे को टॉयलेट का पता नहीं लगता, कंट्रोल पता नहीं लगता है प्रेशर का। और मेरे को 8-10 साल से ये प्रॉब्लम है, और मेरे को एसिड इतना बनता है, खाया पिया मेरे को हजम नहीं होता, बहुत गर्म, मतलब गर्म चीज बिल्कुल सूट नहीं होती, जिससे बवासीर हो जाती है, और 24 घंटे गैस पूरे शरीर में मेरे घूमती है, वायु जहाँ जी, जहाँ गैस घुस जाती है मेरे बॉडी में पेन रहता है। आपकी और उम्र क्या मुझे, है? मेरी 52-53 साल उम्र है, मेरे को प्लीज ऐसा कोई दवाई बताएं जिससे मेरी ये नसें खुल जाएं, और जो मेरे को जो सुन्नपन है ना, टॉयलेट का पता नहीं लगता, उससे मैं फायदा होए, और खाना मेरा हजम होए, पेट साफ नहीं होता है और गैस बनी रहती है। तो देखिए, क्योंकि चलना फिरना नहीं है इसलिए खाना हजम नहीं होता, और इसमें वही लोग अच्छे हो पाते हैं जिनको लैट्रिन बाथरूम का एहसास होता है। जिसको लैट्रिन बाथरूम का एहसास नहीं होता उसको फायदा बेशतर नहीं होता। आप को पहले ऑपरेट कराना चाहिए, और अगर ज़रूरी हो तो ऑपरेट करा लें। पेट के लिए मैं नुस्खा बता देता हूँ, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताऊँगा अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको मुझसे शिकायत हो सकती है। लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है, जिन लोगों को एहसास नहीं होता उन जगहों का, पेशाब का, लेट्रीन का, उनका ठीक होना मुमकिन नहीं होता। तो पेट के लिए आप देखिए, अपने खाने में अदरक लहसुन इतना इतना डाला करिए जो आपके यहाँ खाना बनता है, और धनिया भी इतना सारा डाला करिए। हम इतना इतना सा डालते हैं, इससे भी हमारा हाजमा बहुत अच्छा होता है। फिर आप ले सकते हैं सौंफ, धनिया, मेथी का दाना और आंवला, और इसमें आप नमक जैतून मिला सकते हैं, सबको बराबर बराबर वजन में। जैसे 150-150 ग्राम लें तो सबको 150-150 ग्राम लें, पाउडर बनाएं और आधा आधा चम्मच खाएं सुबह शाम। इससे भी आपका हाजमा दुरुस्त होना मुमकिन है। जी।